नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आइए एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि अब जो आने वाला 2024 का अटेम्प्ट है, जो जून में हो सकता है, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें ये अटेम्प्ट 2024 में देना है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिसमें मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 2024 के लिए आप अभी से कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, लिमिटेड है। देखिए, अक्टूबर, आज 12 अक्टूबर हो गया है, मोटा मोटा आधा महीना निकल चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है, एक नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, फरवरी बचा है, मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, मई बचा है, मतलब जून में तो एग्ज़ाम ही शुरू हो जाएगा प्रीलिम्स का। तो हमारे पास 7 महीने से ज़्यादा का टाइम है, मतलब 7-7.5 महीने का टाइम है अपने पास आज की डेट से। 12 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और तो हमारे पास 7.5 मंथ्स हैं। तो 7.5 मंथ्स के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मैं उसके बारे में डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, हमें दो चार चीज़ें हैं जो फोकस करनी है। देखिए, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो अक्टूबर के महीने में अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करें, कि हम सिर्फ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकालना है, हमें मेंस भी निकालना है। तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें ऑप्शनल भी पढ़ना है। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि हमारी जो अभी सपोज जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, या जिन्होंने शुरुआत करी है, उन लोगों का क्या करना है, उनको अभी ऑप्शनल पर फोकस करना है और करंट अफेयर्स पर फोकस करना है, और दो सब्जेक्ट आप कोई भी उठा लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि आप अभी इनिशियल पीरियड में 7 से 8 घंटा दीजिए पढ़ाई को, जिसमें जो शेड्यूल आपका रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आप 1 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग को देंगे। और न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि न्यूज़पेपर को 45 मिनट्स या 1 घंटे में कैसे पढ़ना है, उसका मैं जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो हमें जो फोकस रहेगा वो है कि न्यूज़पेपर को हमें कैसे जल्दी से जल्दी अच्छे से पढ़ना है, हमें 1 घंटे में न्यूज़पेपर कवर करना है। हम एटलीस्ट 2-2.5 घंटे एक सब्जेक्ट को देंगे, सपोज़ हमने पॉलिटी सब्जेक्ट उठा लिया, उसके बाद 2-2.5 घंटे हम सेकंड सब्जेक्ट को देंगे, तो टोटल हमारे 1 घंटा न्यूज़पेपर में हो गया, 2.5 घंटे एक सब्जेक्ट में हो गया, 2.5 आवर्स दूसरे सब्जेक्ट में हो गया, टोटल हमारे 5 घंटा + 1 घंटा 6 घंटे हो गए। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑप्शनल पर फोकस करना है। जी हाँ, आप 2 घंटे ऑप्शनल को भी देंगे अभी इनिशियल पीरियड में, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाएगा ऑप्शनल को देने का। तो अभी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये टाइम है, 2-3 महीने, 4-3 महीने, इस पर आप ऑप्शनल पे अभी आप 2-3 महीने मेंस की तैयारी के हिसाब से फोकस कीजिए। साइड बाई साइड आपका जो सिलेबस है वो भी कम्प्लीट होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है, 2-2.5 घंटे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 2-2.5 घंटे आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन है, मेरे हिसाब से आप फॉलो कर लीजिए। पहले आप पॉलिटी और आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का आपने कॉम्बिनेशन ले लिया, ठीक है। आपने अक्टूबर महीने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं अभी, तो अक्टूबर महीने में आपने 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है, 2-2.5 घंटे पॉलिटी के सब्जेक्ट पढ़ना है, 2-2.5 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसके बाद आपने 2 घंटे ऑप्शनल सब्जेक्ट को देना है आपने, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर मैंने डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने का क्या तरीका रहना चाहिए, उसमें क्या कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट रहता है, और उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, फोकस कैसे करना है उस सब्जेक्ट पर, तो वो मैं वीडियो मैं आने वाले टाइम में बताऊँगा। तो आपने 2-2.5 जिन्होंने ऑप्शनल चूज़ कर लिया है वो ऑप्शनल पढ़ेंगे 2 घंटा, तो आपका देखा जाए तो 2.5 घंटे 5 घंटे 2 सब्जेक्ट्स में हो गए, 2 घंटा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में हो गया, 7 घंटे 1 घंटा आपका न्यूज़पेपर में हो गया, 8 घंटे। अब इनिशियल फेज़ में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप कोशिश कीजिए कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कीजिए। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपने एक दिन में करीब 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इनिशियल पीरियड में आपको हो सकता है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग जाए शायद एक आंसर लिखने में,
क्योंकि हमें कंटेंट हमें पता नहीं होता, कैसे लिखना है वो हमें पता नहीं होता, बट ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे सही आंसर स्ट्रक्चरिंग करी जाती है, तो उसके हिसाब से वो टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता रहेगा। तो अभी हमें 3 आंसर लिखने की प्रैक्टिस डेली करनी है। ये आंसर लिखना कहाँ से है, कौन सा क्वेश्चन उठाना है, इसका तरीका सिंपल है। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट होगी, आप कोई भी गूगल पर देख सकते हैं कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बहुत कोचिंग वालों ने दे रखे होते हैं, वो न्यूज़पेपर बेस्ड होते हैं। तो हमें क्या करना है कि सपोज आपने कोई भी न्यूज़पेपर कोई भी कोचिंग का जो डेली का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आपने वो उठा लिए, वो जनरली उस दिन के न्यूज़पेपर से उठाए गए बनाए गए क्वेश्चंस होते हैं। तो होगा क्या कि जैसे सपोज हम आज का न्यूज़पेपर है, जिन्होंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो उसके बेसिस पर 3-4 क्वेश्चंस का कोचिंग वालों ने अपलोड किए होंगे कि आज की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो आप न्यूज़पेपर के बेसिस पे आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है आज का उसके हिसाब से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसको आप इवेल्यूएट करा सकते हैं किसी सीनियर से, या ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनसे इवेल्यूएट करा सकते हैं, या उसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन्होंने क्वेश्चंस दिए होंगे उनके पास एक आंसर्ड मतलब एक की टाइप होगा जो बताएगा कि क्या हमें लिखना चाहिए था क्या नहीं लिखना चाहिए था। तो आप वैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें डेली 3 क्वेश्चंस की। तो हमें क्या करना है, इनिशियली हमें हमारा दिन कैसा रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमें क्या करना है, फोकस करना है कि हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ने, पॉलिटी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल करना है, करंट अफेयर्स करना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो अक्टूबर नवंबर और मिड दिसंबर तक आप कोशिश कीजिए कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लीजिए, ऑप्शनल चलता रहेगा आपका, ऑप्शनल करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी। सो अक्टूबर नवंबर और मिड दिसंबर, ठीक है, या तब तक आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स करिए। मिड दिसंबर ऑनवर्ड्स आप मिड दिसंबर से मिड जनवरी, मिड फेब्रवरी मतलब 2 महीने आप कोशिश कीजिए कि दूसरे सब्जेक्ट्स, वो दूसरे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आप ज्योग्राफी ले सकते हैं और साथ में हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो जो इनकी बुक्स रिगार्डिंग ही कौन सी बुक्स हैं वो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है जो लिंक में आपको दिख जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अक्टूबर, अभी मिड अक्टूबर चल रहा है, मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर तक हमें मतलब 2 महीने लगातार हमें 2 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, फिर हमें ऑप्शन चलता रहेगा। फिर हमें क्या करना है कि मिड दिसंबर से मिड फेब्रवरी हमें 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं, कौन से, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। फिर मिड फेब्रवरी से मिड मार्च, मिड 1 महीना, 1 महीने में आपका साइंस एंड टेक भी कवर हो जाएगा, आपका इन्वायरमेंट भी कवर हो जाएगा और जो भी अदर जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, तो मिड मार्च तक, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप जब डेली के 5 घंटे 2 सब्जेक्ट्स को देंगे तो आपके पास टाइम बहुत रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, जो अभी टॉपिक्स छूट गए हैं, जो चैप्टर्स छूट गए हैं, वो आप मिड फेब्रवरी से शुरू करते हुए मिड मार्च, मिड अप्रैल तक आप कोशिश कीजिए कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं 4, ठीक है। इनको आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट 2 महीने में कंप्लीट करके रिवाइज करने की, आपका मिड फेब्रवरी से मिड अप्रैल 2 महीने, उसके बाद अपने पास 1.5 महीना और बचता है। हमें ऑप्शनल कब एंड करना है ये भी एक क्योंकि ऑप्शनल आप प्रीलिम्स तक तो नहीं पढ़ सकते। आपने क्या करना है, आपने अभी जैसे मिड अक्टूबर से शुरू किया तो मिड नवंबर, मिड दिसंबर, मिड जनवरी तक आप ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, उसके बाद ऑप्शनल मत पढ़िएगा। 3 महीने सफिशियंट है अभी ऑप्शनल को देने के लिए, क्योंकि आप डेली 2 घंटा ऑप्शनल को देंगे तो 3 घंटे सफिशियंट है मेरे हिसाब से। तो आप मिड जनवरी तक ऑप्शनल को दीजिए, उसके बाद मिड जनवरी ऑनवर्ड्स आपके पास ना टाइम जो 2 घंटा आप डेली ऑप्शनल को दे रहे थे वो आपको मिल जाएगा। और उस टाइम उसके बाद मिड जनवरी के बाद आपने क्या करना है कि आपने ऑप्शनल भी पढ़ना कम कर देना है और आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कम कर दे रही है मिड जनवरी ऑनवर्ड्स। उसके बाद अपन लोग टेस्ट सीरीज पर फोकस करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स 2-4 महीने बाद नज़दीक आ जाएगा, तो फिर हम लोग टेस्ट सीरीज पर फोकस करेंगे। मिड जनवरी ऑनवर्ड्स आपके पास 1 घंटा आंसर राइटिंग का बचेगा, आपके पास 2 घंटे ऑप्शनल का बचेगा।
तो ये 3 घंटे में हम लोगों ने जो हमारे टॉपिक्स बच गए हैं ठीक है उनको कवर करना है स्टैटिक सिलेबस का, साथ में आपने टेस्ट सीरीज शुरू करनी है मिड जनवरी या जनवरी एंड या फरवरी स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स आपने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू करनी है। अब वो कैसे शुरू करने का तरीका है, आप कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठा लीजिए जो करीब 35-40 टेस्ट होते हैं हर कोचिंग वाला देता है, ये मार्केट में मिलता है, इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से लाइए, आप उसको घर में बैठे सॉल्व करना शुरू कीजिए और उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे तब तक आपको वो क्वेश्चन का जो तरीका है आंसर करने का वो समझ नहीं आएगा। तो हमें ये नहीं करना कि हमने क्वेश्चन देखा, हमें लगा कि सही है बस देख लिया, अच्छा ठीक है गलत है चलो कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन था, लेकिन नहीं ऐसे नहीं करना, आपने एक्सप्लेनेशन भी देखना है। सपोज़ आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया, जो आपने टिक मारा, वो आपको लगा कि ये सही है और वो पीछे भी देखा सही है, उसके बाद भी आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपका स्टैटिक सिलेबस भी कवर हो रहा है, आपका डायनेमिक सिलेबस भी कवर हो रहा है, साइड बाय साइड आपको आंसर को आंसर पता करने का एक तरीका मिल जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका जो नॉलेज पूल है वो बढ़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 4 ऑप्शन थे उसमें से ये ऑप्शन क्यों बेस्ट है, मतलब क्यों सही है, वो आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा ऑब्वियसली। तो हमने क्या करना है, अब आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी ये रहेगी, मिड अक्टूबर ऑनवर्ड्स, मतलब अभी आज 12 अक्टूबर है, अब से आपने 2 महीने लगातार ठीक है आपने 2 सब्जेक्ट करने हैं, 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे आपने पॉलिटी देना है, 2-2.5 घंटे आपने इकोनॉमिक्स देना है, एक दिन में 1 घंटा आपने न्यूज़पेपर देना है, ये आपके टोटल 6 घंटे हो गए, 2 घंटे आपने ऑप्शन सब्जेक्ट को देना है और 1 घंटा आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को देना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी 1 घंटे में कवर हो रही है, 1/2 घंटे में कवर हो रही है, वो आपकी स्पीड और आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने बस 3 क्वेश्चन सॉल्व करने डेली के ठीक है, उसके बाद आपने ये जो चलेगा मिड अक्टूबर से मिड नवंबर, मिड दिसंबर के बाद आपने जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स था वो हटा के आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर आ जाना है ठीक है। लेकिन ऑप्शन अभी अभी चलता रहेगा, ऑप्शन अभी 1 महीना और चलेगा ठीक है। तो मिड दिसंबर ऑनवर्ड्स क्या रहेगा आपका, आपने ज्योग्राफी लेना है और आपने हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री में तीनों एशियन मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सारा आ जाएगा। तो आपने 2 महीने लगातार 2.5-2.5 घंटा ईच आपने ज्योग्राफी को देना है, 2.5 घंटा आपने हिस्ट्री को देना है, ऑप्शन चलता रहेगा अभी मिड दिसंबर से ठीक है। मिड जनवरी में आपका ऑप्शनल रूप बंद हो जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, मिड जनवरी ऑनवर्ड्स आपने ये जो हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री किया था ये मिड दिसंबर से किया था, ये इसको आप 2 महीने कंटिन्यू करेंगे, मतलब मिड दिसंबर से मिड जनवरी, मिड फरवरी तक ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ऑप्शन हमारा मिड जनवरी में रुक जाएगा और आंसर राइटिंग हमारी मिड जनवरी में रुक जाएगी। तो मिड जनवरी ऑनवर्ड्स आपका जो 2-2.5 घंटे, मतलब 2 घंटे ऑप्शनल के बचे और 1 घंटा आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में बचा, इनको आपने यूटिलाइज करना है बाकी सब्जेक्ट्स कवर करने में, जो पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो हमने 2 महीने में तो ऑब्वियसली नहीं कवर होगी, तो जो 2 महीने में कवर नहीं होगी वो आप ऑप्शनल वाले टाइम में आपने कवर करना है और आंसर राइटिंग वाले टाइम में आपने कवर करना है। साइड बाय साइड आपने मिड जनवरी ऑनवर्ड्स या जनवरी एंड ऑनवर्ड्स आपने टेस्ट सीरीज शुरू करनी है ठीक है। आप कोशिश कीजिए कि आप हफ्ते का 1 टेस्ट दीजिए ठीक है। टेस्ट करने का आपको मैंने तरीका बता दिया कि आपने एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को याद करना है, उसको रिवाइज करना है ठीक है। तो मिड दिसंबर से मिड फरवरी तक आपने 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी और हिस्ट्री ठीक है। मिड फरवरी से आपने मिड मार्च तक कोशिश करना है कि मिड कोशिश क्या करना है, क्योंकि आपके 5 घंटे पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा फटाफट, इन्वायरमेंट 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका स्टैटिक पोर्शन ठीक है, आपका साइंस 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मिड फरवरी से आपने जो आपका छूटा हुआ सिलेबस है, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, वो अब आपने मिड फरवरी ऑनवर्ड्स कोशिश करना है कवर करने की, जो हो जाएगा 2 महीने में आपका सारा इसके अलावा हो जाएगा, क्योंकि आप 5 घंटे डेली के दे रहे हो ठीक है। और ऑप्शनल का जो टाइम रिड्यूस हुआ है मिड जनवरी ऑनवर्ड्स, वो आपका फिर यहाँ पे कवर होना शुरू हो जाएगा कि आप बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर कर रहे हो, फिर टेस्ट सीरीज भी कर रहे हो। तो ये आपका सिलसिला चलेगा मई एंड तक ठीक है, उसके बाद फिर आपका प्रीलिम्स का आ ही जाएगा। इसके अलावा मैं डिटेल में और वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।